तुम कहते हाँ अनिरुद्ध सर, कद वो चले जाएगा, हाँ कद वो चले जाएगा, इसलिए बोले वापस नहीं आएगा ये। एक बार जाने के बाद कद वहाँ जाने के बाद कोई आते हैं, कद वहाँ जाने के बाद कोई आते हैं। हरे कृष्ण हरि बोल। हाँ बोले 5:30 बजे कथा करेंगे, लोग अभी 6 से पहले आते हैं। हरे कृष्ण अनिरुद्ध बोल, थोड़ा बोल तो कुछ बोल। और जनार्दन, अरे वो कहाँ गया, चिराग कहाँ गया, वो बोलने के लिए बोले 2 दिन समय के, बोले 2 दिन। हाँ वो बोल रहा था मेरे को 2 दिन से गुरु जी हम बोलने नहीं दे आज पूरा होने के दो। ए चिराग, चैतन्य चंद्र हरि बोल, तो तुम बोलो कुछ चल दिया। इसको बाद में फिर अनिरुद्ध बोलेगा, लास्ट फिनिशिंग। हाँ सोच लो फिर। तो पहले जो पढ़ा ना, पहले मेरे को जो सुनाता था पढ़ के उसको बढ़िया बढ़िया चीजें पूरा चमका देना। अरे अरे फटाफट आ जाओ, नहीं तो दूसरा का नंबर आ गया, तेरा नंबर आ गया। 2 दिन से कट रहा है, नंबर नहीं आ रहा, 2 दिन से कट रहा है। लो पहले मेरा ही और तेरा ही, नहीं तो बाद में नंबर नहीं आएगी तुम्हारी। सारी पकड़ो, ओम अज्ञान निरंजन ज्ञानांजन शलाका चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले मैं अपने गुरुपाद पर ओम नित्य लीला पर, सबसे पहले मैं अपने गुरुपाद पर ओम विष्णु पाद श्लोक परिषद भक्ति वेदांत श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में बार बार अनंत कोटि दंड दर्शन करता हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव ओम नित्य लीला पर विष्णु पाद श्लोक परिषद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम करता हूँ। श्रीमन महाप्रभु समेत समस्त गौर परिकर एवं मेरी समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ और उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आप लोग वो मंगल आज भगवत कृपा से हम लोग श्री जयदेव स्वामी जी का चरित्र जो है वो श्रवण करेंगे। आप लोग जो मंगल गीत गाते हैं श्रित कमला कुछ मंडले जय जय देव हरे वाला, वो उनका ही लिखा हुआ है, ये तो आप सभी जानते ही हैं। तो उनका जीवन चरित्र बहुत अनुपम है। देखिए श्रीमन महाप्रभु जो है वो जो भक्तों का गुणगान स्वयं भी करते थे, भक्तेर महिमा प्रभु कहिते पाए सुख, भक्तेर महिमा कहिते होए पंचमुख। श्रीमन महाप्रभु बहुत आह्लादित होते थे, भक्तों की महिमा कहते थे तब। तो श्री जयदेव गोस्वामी जी का जो हम चरित्र है वो ठाकुर जी की कृपा से छंदबद्ध करने का प्रयास किया है, तो उनका चरित्र जो है हम लोग श्रवण करते हैं। कवि कुल चक्रवर्ती जयदेव स्वामी के कौन सके गुण गाए, कौन सके गुण गाए स्वामी के कौन सके गुण गाए, कवि कुल चक्रवर्ती जयदेव स्वामी के कौन सके गुण गाए। केन्दुवेव में प्रगटे आई अद्भुत रूप मनोहर ताई, अवस्था आई जब ही किशोर पिताजी ओचक गए जग छोड़, विपत्ति की छाई घटा घनघोर। केन्दुवेल्व जो बंगाल में आज किंदौरी नाम से प्रसिद्ध है वहां पे इनका जन्म हुआ। एक बार ये इतने सुंदर दिखते थे, इतने सुंदर कि एक बार इनके ऊपर दृष्टि जाती तो दृष्टि हटती नहीं थी, ऐसे श्री जयदेव स्वामी जी लगते थे। जब ये किशोर अवस्था में थे, किशोर अवस्था कितने कितने से कितने वर्ष की होती है,
11 से लेकर के 16 वर्ष की जो अवस्था है उसको किशोर अवस्था कहते हैं। कौमारम पंचमा अब्दातम पौगंडम दशमाब्दि आशोट्यशं तु कौशि कैशोरम यौवतम शतक ततः परम। 11 से लेकर के जो 16 वर्ष की आयु है वो जो है उसको किशोर अवस्था कहते हैं। तो जब ये किशोर अवस्था में थे तो जो पिताजी हैं इनके उनका देहांत हो गया था, वे चले गए थे। तो जब अभी पिताजी का संस्कार करके हटे ही नहीं थे कि इनकी जो जीवन है उसमें घटना हो गई। क्या एक क्या हुआ इनके जो इनके नगर में एक बनिया रहता था वो बड़ा दुष्ट था, तो वो क्या सोचता था कि अब तो इनके पिताजी चले गए तो मैं इनसे इनका जो घर है इनकी संपत्ति वो हथिया लूं। तो उसने क्या किया, किंतु बिल्ववासी रयो बनिया बेईमान एक भोले भाले भक्त की सरलता झट तार ली काबू विधि करूं अधिकार या की संपत्ति पे लालच में अपनी नियत बिगाड़ ली। अरे नकली बनायो एक कागद और बोलो तेरे पिता ने बिसाह मोते लई है आह राड़ ली कर्ज चुकाओ या तो कुड़क कराओ गेह भक्त ने भी हंस के निज दृष्टि नीचे तार ली। इनसे कहा कि तुम्हारे पिताजी ने मुझसे बहुत ज्यादा कर्जा लिया था और तुम उस कर्जे को चुकाओ वरना मैं तुम्हारा घर जो है वो जब्त कर लूंगा कुड़क करवा लूंगा। अब क्या हुआ ये कुछ बोले नहीं, बहुत आराम से इन्होंने अपनी दृष्टि जो है नीचे झुका ली। फिर क्या हुआ ये बहुत अच्छे स्वभाव के तो थे ही क्योंकि संत कहते हैं ना कभी ये क्रोध तो करना जानते ही नहीं थे। संत कहते हैं ना संतन क्रोध न कीजिए कोई कहे क्यों ही जू हंस के उत्तर दीजिए हाँ बाबा यूं ही जू। तो इस कारण से ये कभी भी जो है कभी इन्होंने क्रोध नहीं किया। तो क्या हुआ इनकी जो संपत्ति है वो सोचे कि मैं इनकी संपत्ति ही दबा लूं तो उन्होंने कुछ नहीं किया। तो उसके पास जाके बोला तेरे पिता ने संपत्ति ली है और तू एक काम कर क्या तो मैं घर जब्त कर लूंगा क्या तू अपनी संपत्ति दे दे। तो क्या हुआ झूठो जाल फरेब रची लियो मकान छुड़ाए तो सहज गेह जय देव तजी तर तर बैठे जाए। जब उन्होंने इनकी इनका जो मकान है वो छुड़वा लिया, अब ये कर्ज चुका नहीं पाए तो मकान छुड़ा लिया, जबरदस्ती जब्त इनका मकान कर लिया। जब कर लिया तो जयदेव ने सोचा कि बहुत कृपा करी है ठाकुर जी ने, बहुत कृपा करी है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की दो ही चीज में आ सकती है, क्या तो देह में क्या गेह में, क्या तो हमारी देह में आ सकती है शरीर में क्या फिर संसार में गेह में आ सकती है। तो जयदेव जी बहुत प्रसन्न हुए, कहा कि कोई बात नहीं ठाकुर जी की कृपा है। श्लोक है ना भागवत जी का, असारे संसारे विषय विष संध्या कुल धिया क्षणार्थम क्षेमार्थम पिबत कुल गाथाम तुल सुधाम किमार्थम व्यार्थम भो ब्रज ककुपते कुछ स्थित कथे। ठाकुर जी ने बहुत कृपा करी है, ये असार तो संसार है ही, बहुत कृपा करी है, ये गेह का जो नाता है वो भी छुड़ा दिया, घर से निकले ये एक वृक्ष के नीचे बैठे और बैठ करके सोचने लग गए जयदेव जी। अरे भलो कियो प्रभु सहज गेह को बंधन दियो छुड़ाए, हाँ भलो कियो प्रभु सहज गेह को बंधन दियो छुड़ाए कवि कुल चक्रवर्ती जयदेव स्वामी के कौन सके गुण गाए। कवि कुल चक्रवर्ती जयदेव स्वामी के कौन सके गुण गाए। बस्ती वालों को पता चल गया कि इसने जबरदस्ती जब्त कराया है जो घर है इनका जयदेव जी का, तो सब उसको धिक्कारते रहे उस व्यक्ति को कि तूने उस बनिए को सब धिक्कारते रहे कि तूने क्या किया, अपने पाप मरे अपकारी कली में क्षमा शाप से भारी।
देखिए कलयुग में कुछ ऐसे पाप, लोग कहते हैं ना इस जन्म का जो पाप है उसका फल अगले जन्म में मिलेगा, उस जन्म का पाप अगले जन्म में मिलेगा, या पिछले जन्म का पाप जो है हम लोग इस जन्म में भोग रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे दीर्घ अपराध हो जाते हैं, बहुत भयंकर वाले, उनका जो दंड है क्या तो वो 3 दिनों के अंदर मिलता है, क्या 3 महीने के अंदर मिलता है, क्या 3 वर्ष के अंदर मिलता है, या 3 क्षण के अंदर मिल जाता है। श्लोक है, त्रिविर वर्षै हि त्रिविर मासै हि त्रिविर पक्षै हि त्रिविधनै अति उग्र पाप पुण्यानां यैव फलमश्नुते। बहुत उग्र पाप होता है तो तुरंत उसका फल जो है मिल जाता है। तो इन्होंने उग्र पाप किया तो फिर क्या हुआ, देखिए तो क्या किया फिर, दिए जैसे इन्होंने बहुत पाप, इसने बहुत पाप कर दिया, जयदेव जी का जो है घर जब्त करके ठाकुर जी को सहन नहीं हुआ, ठाकुर जी को सहन नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ, जो वो जो बनिया था उसके घर में आग लग गई। दिए विधि नाने सहज ही दंड, लागीवा के घर अग्नि प्रचंड, होय गयो चूरम चूर घमंड। जैसे ही उसके घर में अग्नि लगी, लोग आए बुलाने के लिए, अरे तुम्हारे घर में आग लग गई, घर में आग लग गई। जब ऐसा हुआ, देखिए जो अग्नि है ना, लोगों ने बहुत कोशिश करी इनके यहाँ आग शांत करने की, लेकिन ये अग्नि कौन सी है, ये अग्नि साधारण अग्नि नहीं है। श्रीमद् मानस जी में लिखा है ना, जो अपराध भगत कर करही जय जय राजा राम, राम रोष पावक सो जल ही जय जय सीताराम, कैम प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही ता तस फल चाखा। अरे काहू ना को कर सुख कर दाता, काहू ना को सुख कर दाता, जय जय राजा राम, निज कर्म निज कृत कर्म जनित सब भ्राता, जय जय सीताराम। कोई किसी का सुख, कोई हमें सुख नहीं दे सकता, कोई दुख नहीं दे सकता, हमारे निज कृत कर्म ही हमें सुख और दुख देते हैं। क्या हुआ, इसके घर में आग लग गई। तो जब सामान ट्रांसफर कर रहे थे ना, देखिए होलिका जो है, होलिका जो थी, होलिका को प्राप्त था वरदान कि तू जलेगी नहीं, तो वो अपने बच्चे को गोदी में बिठा करके प्रहलाद जी को एक तो भुआ पुआ खिलाए और ये भुआ धुआं में जलाए, ऐसी ये होलिका थी। एक ये भुआ तो थी कहने के लायक, लेकिन जब इसने गोदी में प्रहलाद जी को बिठाया और जब जलने लगी तो महाराज ये ही जल गई, यद्यपि इसको वरदान प्राप्त था। क्यों, क्योंकि ये साधारण आग नहीं थी, ये ऐसे विषाद, ये भगवान की क्रोधाग्नि थी, और भगवान की क्रोधाग्नि और भक्त ने जो अपराध किया, भक्त के अपराध की हुई जो अग्नि है वह साधारण अग्नि नहीं थी। इस कारण से क्या हुआ, इनके यहाँ जो है जल गई। अब क्या, क्यों, क्योंकि साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जले ही नगर अनाथ करे जैसा, साधु की अवज्ञा करी ना, इस कारण से सारा का सारा घर जल गया। फिर आगे क्या हुआ, वो जाकर के चरणों में पड़ गया, जाके चरणों में पड़ा तो फिर क्या हुआ, जो देखो भगवान का वचन है, भगवान कहते हैं, जो कोई मेरे भक्तन को कबहू आंख दिखावे, तो ऐसो बनो ऐसो बड़ो बनाओ वा को ब्रह्माशीष नवावे। अगर मेरे भक्त को किसी ने आंख दिखाई तो उसको ऐसा बड़ा बनाता हूं कि ब्रह्मा जी उसको शीश नवाते हैं। तो क्या हुआ, इनको जब ये बहुत ज्यादा इनके यहाँ उसके यहाँ आग लग गई तो जयदेव जी के चरणों में पड़ा, जयदेव जी के चरणों में पड़ा, हाय हाय हे प्रभु द्विजराई, कृपया लीजे मोहि बचाई, अरे रयो मोहि मेरो पाप जलाए, राखी लो करुणा नीर सिचाए, न देखे कोई और उपाय। जाकर के जयदेव जी के चरणों में पड़ गया, समझ गया भक्त का अपराध हो गया। तो जयदेव जी ने क्या किया, जयदेव जी ने कहा क्या बात हो गई, जब इसने बताया मेरा घर जल गया, जयदेव जी का हृदय पिघल गया। तो जयदेव जी ने क्या किया, तुरंत उठे जयदेव जू, सुनि के करुण पुकार, प्रविश अग्नि के गेह में, प्रभु से करी मनोहार। जहां अग्नि लगी थी ना, उसके उस अग्नि उस घर के बाहर खड़े होकर के ठाकुर जी को पुकारा जयदेव जी ने कि प्रभु ये तो अज्ञानी है, आप इसके घर को कोई कितना ही उपाय कर लिया,
आग नहीं बुझ रही है, परंतु आप रक्षा करो, इसे क्षमा करो, रक्षा करो। जब कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ, जब अग्नि शांत नहीं हुई, तो जयदेव जी ने कहा, प्रभु आपने अभी तो मेरे गेह का त्याग किया है, घर का, पर आप अगर कुछ, अगर आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं करी तो आप समझ लीजिए जयदेव का भी त्याग हो जाएगा। मैं अंदर इस धधकती हुई आग के ग्रह में प्रवेश कर रहा हूं, आप देख लेना। जैसे ही ये घर में गए, इन्होंने प्रवेश किया घर में, आग के भरे घर में प्रवेश किया, तो क्या हुआ? अरे पूछी अग्नि प्रभु कृपा, अचानक लपटे गई विलाय, कवि कुल चक्रवर्ती जयदेव स्वामी के कौन सके गुण गाय, कौन सके गुण गाय, स्वामी के कौन सके गुण गाय, कवि कुल चक्रवर्ती जयदेव स्वामी के कौन सके गुण गाय। जयदेव जी का ऐसा दिव्य चरित्र, ये केवल एक ही कड़ी श्री जयदेव गोस्वामी जी के चरित्र की थी। वो अग्नि जब किसी से शांत नहीं हो रही थी, तब भगवान की करुणा रूपी वर्षा ने उस अग्नि को शांत कर दिया, केवल भक्त के पुकारने से ही। इसीलिए इनका हृदय अधिक भक्त का क्या है, कोई भी भक्त के प्रति अगर अपराध भी कर देता है तो भक्त परम हृदय से, शांत हृदय से उसको क्षमा कर देते हैं। हमारे स्वामी जी, श्री हमारे जो स्वामी जी हैं, इस्कॉन के फाउंडर हैं, जो उनकी बहुत सुंदर, मतलब उनका एक इंसिडेंट है बहुत सुंदर। एक बार क्या हुआ, उन्होंने स्वामी जी ने लुइंस जो एंजल है उसके अंदर जो इस्कॉन स्थापित किया है, श्री रुक्मिणी कृष्ण भगवान, तो क्या हुआ, वहां के एक पुजारी थे, तो वहां के पुजारी 4 साल से वहां की सेवा कर रहे थे। एक बार उनके मन में हुआ, अरे यार बहुत सेवा कर दी, उनको कोई कष्ट हो गया होगा, मन में उदासपन, बस यार बहुत सेवा कर ली, अब नहीं करूंगा सेवा। तो वो इस्कॉन को छोड़ करके जा रहे थे। जब जाने लगे तो उन्होंने सोचा कि चलो एक बार पास में समुद्र है तो थोड़ा इसमें स्नान कर लिया जाए, डुबकी लगा ली जाए, नहा लिया जाए। तो जब नहाने के लिए गए अंदर तो देखा सामने से एक शार्क आ रही है, जोर से शार्क आती हुई दिखाई दी। अब जैसे ही शार्क आती हुई दिखाई दी तो हम गौड़ियों का क्या है, जैसे ही डेंजर का बल्ब बजा, हॉर्न सायरन बजा, तुरंत नरसिंह देव की आरती शुरू, क्योंकि यही है हमारे पास, नरसिंह देव की आरती शुरू हो गई। उसने नरसिंह देव की आरती करी, पता है ना हम लोगों को कि कौन से टाइम पे कौन सा बटन दबाना है, तो नरसिंह देव की आरती शुरू कर ली। जैसे ही आरती शुरू कर दी, उससे भी कुछ नहीं हुआ, वो बार बार शार्क आए जा रही है पास में, तो उसने कहा प्रभु अब इस बार माफ कर दो, मैं पूरी सेवा करूंगा आपकी, बस आप इस शार्क से बचा लो। तो शार्क आई पास में, तो प्रभु से प्रार्थना करी, प्रार्थना करने पर शार्क ने कहा चल छोड़। शार्क मन में सोची होगी आज फास्ट कर लेते हैं, छोड़। तो वो वापस घूम करके चली गई शार्क, वो बच गया। वापस आए जब इस्कॉन में, तो मंदिर के प्रेसिडेंट ने पूछा कि भैया ये बता तू कहाँ चला गया था, बोला कहीं नहीं यही था, बोले कहाँ चला गया था, तू तो यहाँ नहीं था। उसने कहा जहाँ गया था दोबारे नहीं जाऊंगा, यहाँ मंदिर में ही सेवा करूंगा। इस कारण से परम सेव्य श्री ठाकुर जी हैं, और भगवान को क्या प्रिय है, मम भागवत चरित्रेत अधिक प्रिय मनोहारण्याः, भगवान को अपने भक्तों का चरित्र प्रिय है। इसलिए जयदेव स्वामी जी को प्रणाम करके ये छोटी सी कहानी वांछा करते हैं। हाँ आ जा, गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय ननालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरु पाद पद्म पूज्य पाठ श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभिचंदामृत में अनंत कोटि नमन प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्टों विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों का अनंत कोटि नमन प्रणाम करता हूँ। यहाँ उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम।
अभी चिराग प्रभु जी बड़ी अच्छी बात बता रहे थे, हमारे नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु का रश्नोत्र इसी भक्ति बताओ स्वामी महाराज जी के नाम। मेरे को भी एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट याद आया। देखो इसको कहते हैं इंस्टेंट रिप्लाई। एक व्यक्ति, एक साधु बंगाल से सीधा अमेरिका न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के अंदर वो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, पढ़े लिखे और क्या क्या जानते हैं, उनके बीच में ऐसे बोलते थे उनको हक्के बक्के रह जाते थे। उन्होंने कभी ऐसे रिप्लाई सुने ही नहीं थे, ऐसी थोड़ी ना सारी दुनिया चरणों में गिर गई। क्या बात थी, वो क्या चीज थी, ये भक्ति का भजन का ही तो बल गुरु वर्ग अपने जीवन चरित्र से करके दिखाते। देखो एक समय पर एक ऐसी सिचुएशन सामने आई जिसमें साधारण आदमी कुछ नहीं बोल सकता। ऐसी सिचुएशन, क्या सिचुएशन हुई कि स्वामी महाराज जी को एक बार इनविटेशन आया अमेरिका का, विदेश में कहीं का जगह मुझे नहीं पता, वहां एक बीच था, उसमें इनविटेशन दिया कि आप वहां पर आना, अभी अपने शिष्यों को लेकर वहां चलेगा। वहां जाकर देखा ना तो वहां एक ऐसा बीच था जहां लड़के लड़के पूरे विवस्त्र होकर के नहाते, पूरे पूरे कपड़े उतार कर, ये देख करके, और वहां पर स्वामी महाराज जी को खड़ा कर दिया, साधु को सन्यासी लाल कपड़े। कैसी सिचुएशन है देखो, कितनी खतरनाक सिचुएशन है। साधु क्या बोले, कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन देखो स्वामी महाराज जी ने क्या बोला, बोले ये तुमने कपड़े क्यों उतार दिए। वो बोले कि हमने कपड़े इसलिए उतार दिए क्योंकि हमें कोई बंधन नहीं चाहिए, हमें खुला खुला अच्छा लगता है, इसलिए हमने उतार दिए। बोला तुमने कपड़े तो उतार दिए लेकिन पूरी तरीके से नहीं उतारे, अब इसलिए तुमने ये ऊपर के कपड़े उतारे। बोले कि शरीर रूपी जो कपड़ा है तो तुमने अभी तक उतारा ही नहीं, ये मटेरियल बॉडी क्या है, वसांसी चिंदानी यथा विहाय नवानी ननाति नवो पनानी यथा शरीराणि विहाय विगण्यानि संज्ञाति नवानि देही। ये शरीर भी क्या है, एक कपड़ा है। बोला तुमने मेन कपड़ा तो अभी तक उतारा ही नहीं है, इसको उतारोगे तब जाकर के माना जाएगा कि हाँ तुमने कुछ किया। देखो ऐसी सिचुएशन में भी उन्होंने कैसे जो गीता का ज्ञान है उसको उनको दे दिया, कितनी सुंदर है। इसलिए एक बार की जय जरूर बोलनी चाहिए, बोलो ऐसी भक्ति वेदांत श्री स्वामी महाराज की जय। उन्हीं की कृपा से सारे दुनिया में प्रचार हुआ, हमारे गुरु जी की कृपा से आज भी देखो उन्हीं की परंपरा में आगे प्रचार हो रहा है। और एक आश्चर्य जैसे भी प्रभु जी एक बताया, श्री जयदेव गोस्वामी जी की चरित्र को सुना रहे थे, आप लोग सभी सुन रहे थे। जयदेव गोस्वामी जी का चरित्र ऐसा है, उनका साहित्य, उनकी जो लेखनी ऐसी है कि भक्ति जगत तो छोड़ो, भक्ति जगत में तो सब लोग उनकी कथा को सुनते ही है, सब लोग गाते ही उनके कीर्तन। देखो जगन्नाथ जी की सारी सेवा तो उन्हीं के पदों से होती है। लेकिन आप मानोगे नहीं, मैं एक बार गया था सेंट्रल म्यूजियम दिल्ली का, ये जो दिल्ली है, दिल्ली में सेंट्रल म्यूजियम है, सबसे बड़ा म्यूजियम माना जाता है इंडिया का। उसके अंदर आप एंटर होगे ना तो एक साहित्य का डिपार्टमेंट, उसके अंदर आप देखोगे जयदेव गोस्वामी के लाइन से, जो जयदेव गोस्वामी के जो 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 उन्होंने जो लिखा है ना उसको, हाँ कि उसके आधार पे पिक्चर बने हुए, लाइन से पिक्चर आप देखोगे ना, लगभग 100 फीट 150 फीट ऐसे 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 पूरा जयदेव गोस्वामी का नाम, और उसमें लिखा भी है भाई गीत बाय गीत गोविंदम जयदेव गोस्वामी, गीत गोविंदम जयदेव गोस्वामी, उसमें पिक्चर्स बने हुए बहुत सारे। और उन्हीं पिक्चर्स को लेकर के जो ये जो श्री कृष्ण आता था ना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, उसमें जब स्टार्ट होता था तो कार्टून पिक्चर्स नहीं आते थे, वो वही सब पिक्चर्स वहीं से लेकर के किया। आश्चर्य की बात है, ऐसे हमारे गुरु वर्ग है, ऐसे परंपरा में हम लोग बैठ करके यहाँ पे सुन रहे हैं बड़े सुंदर सुंदर कीर्तन संस्कृत भगवान के जयदेव गोस्वामी। अब यहाँ पर अब हम चलते हैं श्रीमद् भागवत के ऊपर, और गुरु जी ने बोला थोड़ा सा मैं एक थोड़ी सी बात ही बता दूंगा, मेरे को तब कुछ आता नहीं। हाँ तो आप लोग सब लोग तैयारी कर रहे हैं, कॉपी पेन लेकर, मेरे दृष्टि पर तैयारी है नहीं। यहाँ पर बात यह है कि जब हम भजन करते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या है, गुरु पद आश्रय। सबसे पहले गुरु जी के हम शरणागत होकर के भजन करते हैं, और भजन हम करते रहते सारी जिंदगी हम भजन करते हैं। क्यों करते हैं सारी जिंदगी हम भजन क्यों करते हैं, उसको कारण होगा ना, क्योंकि केवल जीवन में सुख शांति बनी रही है नहीं, इसके पीछे एक रहस्य है। भगवान गीता में कहते हैं यमयम वापी स्मरणम भावम त्यजते अंतः कलेवर तम तमे वैतीय कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। ये शरीर को छोड़ते समय जो जो भाव है, जो जो विचार, जो जो हमारे हृदय में होता है, उसी के अनुरूप हमें अगला शरीर प्राप्त हो जाए।
अगर कोई सोचे कि सारा जीवन में कुछ भी करें और अंत में भगवान का नाम ले लेंगे तो ऐसा होना संभव बिल्कुल भी नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत राम कहीं आसानी से नहीं आ। कोई कोई सौभाग्यवान जो पुरुष सारा जीवन जिसने भजन किया उसी के जीवा पर आ जाए। एक बार आ गया तो समझो जीवन धन्य। अजामिल का सुना ना आपने, उसके ऐसे ही कहा। लेकिन अब इसका उदाहरण कहां पर है? भगवान ने तो गीता में बोल दिया है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल वहां पे नहीं है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल फिर भागवत के अंदर, जैसे हम भरत जड़ भरत जी का चरित्र देखते हैं, कैसा चरित्र, उसके अंदर ऐसा ही तो हुआ। हिरण का स्मरण करते करते शरीर छूटा तो किसका जन्म हो गया? हिरण का जन्म हो गया। और जब साधक जो सारा जीवन जब भजन करता है तो जिस भावना के साथ में भजन करता है, हम लोग किसी भावना के साथ में भजन करते हैं ना, भगवान से संबंध रखिए कोई भावना होती है, जब सिद्ध अवस्था आती है, सिद्धि अवस्था आती है, तो भगवान उसी ही रूप में हमें दर्शन दे देते हैं। इसलिए हम लोग गौड़ीय संप्रदाय में हैं, तो हमें पूरा अच्छे से जान लेना चाहिए कि हम कौन से भाव में और किनकी और क्यों सेवा हम कर रहे हैं, क्या हमारा लक्ष्य है, ये सारी की सारी वस्तुओं को हमको अच्छे से जान लेना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि हमें करना क्या है, वरना तो एनर्जी हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हो पाएगी। इसीलिए जो आज सुबेरे हम चरित्र सुन रहे थे पितामह भीष्म का, पितामह भीष्म के चरित्र में ये चीज बड़े अच्छे से देखने को मिलती है, बहुत सूक्ष्म देखो यहाँ पे विचार बिल्कुल अच्छे से देखने को मिलता है। जब ले आए हैं ना कुंती महारानी की स्तुति आपने सुनी, कुंती महारानी मना करके अपने भतीजे कृष्ण को वापस ले, एक समय में तो कुंती महारानी जी को ऐश्वर्य भाव हो गया था कृष्ण के प्रति कि आप तो सृष्टि के पालक हैं ये सब। अब ये सुनकर के कृष्ण को थोड़ा डर हो गया कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये बुआ जो है मेरे को भतीजा भूल जाए, तो मैं कभी कभी यहाँ पर हस्तिनापुर में आता हूँ, बड़े बड़े खिलाती है प्रेम करती वो भी बंद हो जाएगा, मेरी पूजा करने लग जाएगी। इस चीज से घबरा करके भगवान, फिर भगवान की जो इच्छा शक्ति है वो कुंती महारानी के अंदर वही भाव जगाती है कि ये मेरे भतीजे, और बोलते हैं कि देखो कितना बड़ा युद्ध हुआ, तुमने हमारी कितनी मदद करी, कितना कुछ किया, मैं इनको टाइम ही नहीं मिला, तुम इतने दिन यहाँ रहे मैं तुमसे कोई दो मिनट में बात भी नहीं कर पाई, और अब जब युद्ध खत्म हो गया और तुम जा रहे हो मुझे तो समय नहीं मिला। कुंती महारानी ने इतनी सुंदर सुंदर वहां पे स्तुति करी है कि कृष्ण विवश हो गए और एक रथ पैर पे था, जाने को तैयार था द्वारका, और कृष्ण वापस महल में आ रहा था। महल में आने के बाद में वहां पर युधिष्ठिर महाराज बड़े दुखी परेशान, उनको ऐसा लगता है कि सारा युद्ध का कारण कौन है? मैं हूं कारण, मेरे कारण युद्ध, क्योंकि मुझे राजा बनना था, ये सारे लोग मारे गए हैं, वर्ण संग्रह होने लगा है, स्त्रियां जो है वो विधवा हो चुकी है, इतना कुछ, कि सबका कारण कौन है? मैं हूं। लेकिन कृष्ण ने वहां पे समझाया इसका कारण तुम नहीं हो, कारण तो मैं ही हूँ, सर्व कारण कारणम कौन है? मैं कृष्ण, सभी कारण कारण मैं हूँ। लेकिन वहां पर वो युधिष्ठिर महाराज जी को बिल्कुल वो बात समझ में नहीं आई। क्यों क्यों नहीं समझ में आ रही? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जी का भाव कृष्ण के प्रति क्या है कि ये छोटे भाई की तरह है, छोटे भाई की तरह, सखा की तरह है, तो वहां पर युधिष्ठिर महाराज को वो बात ऐश्वर्य नहीं आ रहा है। जब कृष्ण सोचा कि किसके माध्यम से समझाया जाए, तो उसी समय पितामह भीष्म का स्मरण करते हैं। क्यों? क्योंकि पितामह भीष्म में इनकी बड़ी श्रद्धा है, इन पांडवों की किनमें श्रद्धा है? पितामह भीष्म, जो वो बोलेंगे ये आंख बंद करके मान लेंगे। पितामह भीष्म महाजन, द्वादश महाजनों में से एक है पितामह भीष्म, और अपने आचरण से बहुत गहरी गहरी शिक्षा देते हैं, बहुत गहरी गहरी शिक्षा। बस युधिष्ठिर, बस कृष्ण का यहाँ पे सोचना ही था, और पितामह भीष्म जो है वहां पर प्रार्थना करते भगवान से कि भगवान उत्तरायण का समय आ गया, उत्तरायण माने अब मेरे जाने का समय यहां से आ गया है, आप कृपया करके यहां पर आ जाइए। अभी हम ऐसी प्रार्थना करेंगे तो क्या भगवान आएंगे? लेकिन पितामह भीष्म सारा जीवन कृष्ण की भक्ति है, और अंत में जब ये शरीर छोड़ने का समय आया ना, हाथ जोड़ के, देखो भागवत के अंदर का ये श्लोक है, हाथ जोड़ के भीष्म पितामह जो आंख बंद करके और प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, सदा देव देव भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं विहम्यहम् प्रसन्न चेतसहास लसदं मुखाम्बुजोत ध्यानश चतुर्भुजम्। कृष्ण वहां पे आए हैं और भगवान और पितामह भीष्म कह रहे हैं, कृष्ण मैंने तुम्हारा बहुत प्रतीक्षा करी, अब आप यहीं पर ही रुक जाइए, अब आप मेरी प्रतीक्षा करो,
जब तक मैं ये शरीर नहीं कलेवर जब तक मेरा छोड़ दूं और जब तक आपके मुझे ये सुंदर कि आपके चेहरे पे जो मुस्कान है कि आप चेहरा लेकर के यहीं पर ही खड़े रहिए। वहां पे युधिष्ठिर को सारा उनकी समस्या का समाधान करते हैं और अंत में बड़ी सुंदर सुंदर स्तुति के साथ में पितामह भीष्म कृष्ण को देखते 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 शरीर को छोड़ देते। ये क्या है? अंत में किसका स्मरण कर रहे हैं? भगवान। ये वही है जो कृष्ण भापर के ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। गीता भागवत सबकी शिक्षा आपस में जुड़ी हुई है। इसीलिए अगर हम इन सब शिक्षाओं केवल सुनते नहीं कहानी की तरह नहीं सुन करके उसके पीछे के रहस्य उसके अंदर रहस्य कि 7 दिन का ही समय क्यों है ना? और उसके पीछे फिर शुद्धे गोस्वामी कैसे चले आए वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि ऐसा हट करके शुद्धे गोस्वामी बैठ गए। इसके पीछे क्या कारण है? क्या रस का विचार? इतनी सुंदर सुंदर बातें ये सब अगर हम यहाँ बैठ करके गुरु जी क्योंकि बता रहे हैं ना इसके अंदर गौड़ीय संप्रदाय की ये शिक्षाओं को हम सुन रहे हैं। इसके अंदर विश्वनाथ ठाकुर जी की टीका सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी इन्होंने जो बड़ी सुंदर सुंदर बृहद भागवतम लघु भागवतम ये जो टीकाएं हैं विश्वनाथ ठाकुर जी की टीकाएं हैं इनके साथ में जो हम ये सुन रहे हैं ना बड़ी सौभाग्य की बात है। ये कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगी। इन आचार्यों ने अपने भजन का जो पूरा सार इन टीकाओं में खोल करके सिद्धांत के साथ में इस बात को यहाँ पे बताया। वरना देखो पितामह भीष्म के जीवन चरित्र में इतनी हजारों हजारों शिक्षाएं हैं लेकिन उसमें से ये भी शिक्षा है कि अंत समय में किसका स्मरण होना चाहिए? भगवान का स्मरण। और वो कैसे होगा? जब हम सारा जीवन भजन करते हुए बिताएंगे। हरे कृष्ण भगवान का तुम बोलोगे प्रभु कि तुम बोलोगे सर ओए हाँ हाँ अब कौन कर कौन आते हैं आज आज आसो कहो हम आज कहीं आस कहो चचियो कहो ना कहीं ठीक और लड़की आ जा और माइक उधर दे दो आ नहीं रहे हाँ वहां तक चलो एक ही जगह पे बैठ करके अपना पालन कर रहे थे। तो अभी नारद जी बताते हैं कि
सेवा करते हो तो क्या होगा, उनको भी भोजन मिल जाएगा और उनके पुत्र को भी भोजन मिल जाएगा। तो अभी वो तो सेवा करने लग गई, तो क्या होता है जैसा हमारा संग होता है वैसा क्या होता है हमारा रंग होता है। तो नारद जी ने देखा कि वो तो अपनी मैया सेवा कर रहे हैं, तो अभी नारद जी ने भी क्या करा, शुरू कर दी साधुओं की सेवा करनी। तो यहाँ पे हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे सबसे पहले गुरु कौन होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं, और उसमें भी सबसे पहले कौन होते हैं, हमारी माता होती है। तो जैसा हमारे माता पिता का आचरण होगा, अगर हमारे माता पिता भजन कर रहे हैं तो वो बच्चे भी क्या करते हैं, देखते देखते भजन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल बच्चे क्या सीखते हैं, इंस्टाग्राम चलाना, फेसबुक चलाना, ये सीखते हैं। तो अभी यहाँ पे नारद जी ने भी क्या करा, शुरू कर दी साधु सेवा करनी। तो अभी एक दिन नारद जी ने कथा सुनी थी कि उन्हीं साधुओं के मुख से कथा सुनी कि भक्ति में तीव्रता से आगे बढ़ने के क्या होते हैं, तीन उपाय होते हैं, तीन चीज करेंगे तो क्या होगा, भक्ति में हम तीव्रता से आगे बढ़ेंगे। क्या क्या तीन उपाय हैं, भक्तों की चरण भूमि, भक्तों का उच्च, भक्तों का प्रसाद और भक्तों का चरणामृत। तो उन्होंने तो ये कथा सुनी थी। तो एक दिन क्या हुआ, भगवत इच्छा से भक्त उन साधुओं ने प्रसाद पाया और थोड़ा सा प्रसाद क्या किया, पत्थर में छोड़ दिया। तो अभी उन्होंने कथा सुनी थी कि प्रसाद पाने से कि मुझे भक्ति मिलेगी, तो उनके हृदय में क्या हुई, इच्छा हुई कि मैं ये प्रसाद पा लूं। तो उन्होंने क्या किया, उन साधुओं से जाकर के आज्ञा मांगी, क्या मैं आपका ये प्रसाद पा लूं। तो उन साधु संतों की क्या थी, उनके ऊपर विशेष कृपा थी। क्यों विशेष कृपा थी, यद्यपि साधु संत क्या करते, सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं, परंतु उनके ऊपर विशेष कृपा थी। क्यों थी विशेष कृपा, क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसे भक्ति के गुण थे, तभी तो विशेष कृपा थी। तो नारद जी के अंदर क्या विशेष गुण थे, पहला क्या था कि वो सिर्फ 5 साल के थे, परंतु फिर भी क्या था, 5 साल का बच्चा क्या करता है, इधर उधर घूमता है, शैतानी करता है, दौड़ता रहता है, चंचल होता है। पर नारद जी क्या थे, बिल्कुल शांत स्वभाव के, चंचलता नहीं